हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज के इस वीडियो में 2017 का एमकॉम कॉस्टिंग 1 का या सेमेस्टर 2 का सम करने वाले हैं। तो 2017 में क्वेश्चन क्या किया था इन लोगों ने लर्निंग कर्व के बारे में, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो वी कैन रीड द क्वेश्चन हियर। एक्स कंपनी लिमिटेड एंटिसिपेट्स दैट 90% लर्निंग कर्व विल अप्लाई टू द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू आइटम। द फर्स्ट आइटम विल कॉस्ट, फर्स्ट आइटम का कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है 4000 फॉर मटेरियल, मटेरियल का कॉस्ट 2000 वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, एंड विल टेक 600 आवर्स एंड पर आवर लेबर रेट इज गिवन 10 रुपीज। दिस कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 8 आइटम्स, यहाँ कंपनी को 8 आइटम्स के लिए ऑर्डर मिला हुआ है, and the company has the policy to earn 25% profit on that variable cost, and company 25% profit earn karti hai, aisi uski policy hai. So we have to find out the selling price, and you are asked to determine selling price to be quoted for an order of 8 items. 8 items ka humko yahan par 8 items ka selling price yahan par find out karna hai. So we can start our sum because everything is given. लर्निंग कर्व इज 90%, सो यस डन इज डन। नाउ फर्स्ट आइटम विल कॉस्ट 4000, बट हमको उससे पहले आवर्स इंटरेस्ट है, तो आवर्स हमारे कितने, 600 आवर्स आर गिवन हियर। सो आइटम और यूनिट आवर्स, टोटल क्यूमुलेटिव आवर्स, सो यूनिट 1, 2, 4, 8, 8 के लिए बोला तो 1, 2, 4, 8 ही होगा हमारे पास में। फर्स्ट के लिए हमारे पास आवर्स है 600 एंड लर्निंग कर्व है 90%, सो 600 का 90% हम करेंगे 9, 6 जा 54 एंड 540 मल्टीप्लाई विद 90%। लेट मी चेक आउट, 540 इंटू 90%, सो 486 विल बी देयर, and then 486 will be multiplied with 90% into 90%, so 437.4 will get there. Now multiplication will be done here, 654 to 108, after then we have to make calculation, 1944 and then 437.4 multiply with 8, so 3499.2. It means we have received the hours. Now step 1, calculation for hours. Now step 2, cost or selling price per unit. Okay, so particulars 8 यूनिट्स के लिए बोला है, तो हम डायरेक्टली 8 यूनिट्स के लिए करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल, एक के लिए कितना लगता है हमारा, फर्स्ट आइटम के लिए 4000, तो 8 के लिए कितना लगेगा, वी कैन कैलकुलेट हियर, 4000 एक के लिए, तो 8 के लिए 4000 इंटू 8 32000। डायरेक्ट मटेरियल के बाद आता है हमारा वेजेस, वेजेस के लिए हम यहाँ से आवर्स लेंगे, 3499.2 आवर्स का रेट कितना है, लेबर रेट इज 10 रुपीज, सो 3499.2 विल बी देयर। वेजेस के बाद में हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए, यस दैट इज गिवन, कितना है हमारे पास 2000 वेरिएबल ओवरहेड, 2000 हमको दिया है किसके लिए, एक के लिए, तो 8 के लिए कितना होगा, 2000 इंटू 8 16000। नाउ वी विल मेक द टोटल ऑफ दैट प्लस, सॉरी 32000 प्लस 34992 प्लस 16000, सो विल गेट 82992। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट भी ऐड करना है, ये हमारा भी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फॉर 8 यूनिट्स। नाउ व्हाट, प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट का रेट कितना रखना होता है हमको, 25%, दैट इज गिवन, 25% रेट ऑफ प्रॉफिट, तो 25% इसके अंदर प्लस करेंगे 82992 इंटू 25%,
सो 20,748 आया। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,037,40। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, प्लस 20,748। ओके, ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। अब इसको हमको पर यूनिट फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड बाय यूनिट्स करेंगे। यूनिट्स कितनी है हमारे पास? 8, तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 8, सो कितना आएगा? 12,967.5। ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस, एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये हमारा डायरेक्टली सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, और इस तरह से हमारा सम पूरा भी हो गया। छोटे छोटे से सम्स है, 7 मार्क्स के ही हैं इसलिए, और कोई प्रॉब्लम वाले सम नहीं है। ओके, इन दिस सम इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।